चीनी सैनिकों से झड़प को लेकर राहुल गांधी के बयान का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सेना के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। सेना इस तरह की भाषा के हकदार नहीं है। उधर तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प को लेकर सियासत थम नहीं रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि हमने बफर जोन बनाने की गलती की है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर आधा सच बोलने का आरोप लगाया। इस बीच संसद में विपक्ष ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा और चर्चा की मांग की। सरकार ने विपक्ष पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। उन्होंने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की और कहा कि बाहर तो शेर की तरह बात करते हैं, लेकिन उनकी चाल चूहे की तरह है। उधर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। मैं बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करता। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने विरोध में वॉकआउट किया। विपक्ष के कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर दूसरे महापुरुषों की तस्वीर लगाने की मांग की है। कांग्रेस के विरोध के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी है। अगर उनकी तस्वीर न लगाई जाए तो क्या सदन में दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाएं? यूपी के बाद मध्य प्रदेश में मदरसे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि मदरसों की पठन सामग्री की जांच की जाएगी और जांच की जिम्मेदारी हर जिले के डीएम की होगी। गृह मंत्री के ऐलान के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई और पूछा कि अगर जांच हो रही है तो सरस्वती शिशु मंदिर की जांच क्यों नहीं की जाती। दरअसल दतिया के एक मदरसे में हिंदू छात्रों के पढ़ने का मसला सामने आया है। हिंदू छात्रों से मदरसे में गैर मजहबी सवाल पूछने के आरोप है। मामला सामने आने के बाद NCPCR ने मदरसे को नोटिस भी भेजा है। इसी मामले के बाद मध्य प्रदेश ने मदरसों पर अपनी नजरें पैनी की है। झारखंड के साहिबगंज में आदिवासी महिला की हत्या को लेकर झारखंड विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी ने मामले को लव जिहाद से जोड़ा और हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल साहिबगंज में एक महिला रूबिका पहाड़ी की लाश के 12 टुकड़े बरामद किए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद महिला के पति दिलदार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। दिलदार पहले से शादीशुदा था और आरोप है कि उसने झांसा देकर रूबिका से शादी की। रूबिका को दिलदार की शादी का पता चला तो पति ने उसकी हत्या कर दी और इलेक्ट्रिक कटर से लाश के टुकड़े कर दिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर शराब से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया, साथ ही मृतकों के लिए मुआवजे की मांग की। इस बीच चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो शराब बनाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। उधर विपक्ष के हमले के बीच प्रशासन ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। छपरा के दियारा इलाके में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन की मदद से अवैध शराब भट्टियां तलाशी जा रही है। शराब से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में वाराणसी से वो पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज देंगे। अजय राय के बयान पर अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार किया। स्मृति ने कहा, सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उन तीन शब्दों से करना चाहते हैं जो पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया की जुबान पर हैं, और वो तीन शब्द हैं व्हाट अ मैच, यानी क्या मैच था। तो हो सकता है आपने कल का मैच देखा हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल, और हो सकता है ना भी देखा हो। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी देखा उन्हें आज का ये विश्लेषण देखकर समझ में आ जाएगा कि कल क्या हुआ। कल
कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास का शायद पहला ऐसा फाइनल मैच खेला गया जिसमें हार और जीत के अलावा भी बहुत कुछ था, और इस बहुत कुछ से आज भी आप सब बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, क्योंकि इस मैच में असल में जीवन दर्शन छिपा हुआ है, लाइफ लेसन्स छिपे हुए हैं। इसलिए हमारे जो दर्शक फुटबॉल के फैंस नहीं हैं या जिन्होंने कल का फाइनल मैच नहीं देखा, वो भी आज इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस मैच की कहानी इन दो तस्वीरों में छिपी हुई है, इन्हें ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर फ्रांस के खिलाड़ी किलियान एम्बापे की है, जिसमें वो पोडियम से जाते वक्त वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को शायद देख भी नहीं रहे हैं, और इससे आपको यह पता चलता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनसे कितनी दूर है, यानी वो बहुत करीब पहुंचकर भी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाए। और दूसरी तस्वीर है अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की, जिसमें वो पोडियम पर वर्ल्ड कप की इसी ट्रॉफी को किस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यानी एक तस्वीर में इस ट्रॉफी को न जीत पाने का गम है और दूसरी तस्वीर में इसे जीतने की खुशी है, कहीं खुशी कहीं गम। पिछले 92 वर्षों में दुनिया 22 वर्ल्ड कप देख चुकी है, लेकिन कल कतर में जो फाइनल मैच खेला गया वैसा मैच शायद दुनिया ने इससे पहले नहीं देखा था। यह मैच एक शिक्षक की तरह था जो चार बड़ी बातें आपको सिखा कर गया है। इनमें पहली सीख है आखिर तक लड़ने का जज्बा। 90 मिनट के इस खेल में 80 मिनट तक पूरा मैच एक तरफा लग रहा था। अर्जेंटीना यानी मेसी की टीम ने मैच के 23वें मिनट में पहला गोल किया और 45 मिनट का खेल होने तक मैच का स्कोर 2-0 हो चुका था, और दूसरे हाफ में भी 35 मिनट तक फ्रांस की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई थी। लोगों ने सोच लिया था कि यह मैच अर्जेंटीना आसानी से जीत गई, लेकिन इसके बाद अचानक कहानी बदल गई और खेल के आखिरी 10 मिनट में एम्बापे ने बैक टू बैक दो गोल करके पूरा मैच ही पलट दिया। इससे यह पता चलता है कि अगर लड़ने का जज्बा हो तो बाजी को आखिरी मिनटों में भी पलटा जा सकता है, और इस मैच से दुनिया ने यह भी सीखा कि हारने वाली टीम भी चैंपियन हो सकती है, क्योंकि चैंपियन का मतलब होता है वो टीम जो आखिरी मिनट तक लगातार संघर्ष करती है, आखिरी मिनट तक जीतने की कोशिश करती है, और कल फ्रांस की टीम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप जीतकर भी रो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में हार के बावजूद भी इस तरह से कभी भावुक नहीं होते और हार और जीत को सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित मानते हैं, लेकिन फुटबॉल के खेल में ऐसा नहीं होता। कल अर्जेंटीना के तमाम खिलाड़ी बेहद इमोशनल थे जीत के लिए, और फ्रांस के जो खिलाड़ी थे वो भी बेहद इमोशनल थे हारने की वजह से। फुटबॉल के खेल में हारने वाली टीम की आंखें भी नम होती हैं और जीतने वाली टीम की आंखें भी अक्सर नम हो जाती हैं। इसी के अलावा आज आपको फ्रांस के एक फुटबॉलर एम्बापे की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए। एम्बापे किसी भी वर्ल्ड कप में 12 गोल करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, और दिलचस्प बात यह है कि कल यानी 20 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और वो 24 साल के हो जाएंगे, तो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है। एम्बापे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और उनके बचपन की एक तस्वीर आज हमने आपके लिए निकाली है जिसमें उनके कमरे में दीवारों पर रोनाल्डो के पोस्टर्स लगे हुए हैं, और नोट करने वाली बात यह है कि एम्बापे ने रोनाल्डो से प्रेरणा लेकर फुटबॉल को अपना जुनून बनाया, लेकिन आज वो रोनाल्डो को पीछे छोड़कर उनसे भी काफी आगे निकल गए हैं। बड़ी बात यह है आज वो उसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जिसमें उनका आदर्श रोनाल्डो भी खेल रहा है, और उन्होंने वर्ल्ड कप में रोनाल्डो से बेहतर प्रदर्शन किया है। 37 वर्ष के रोनाल्डो किसी भी वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा 7 गोल कर पाए हैं, जबकि एम्बापे ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही 12 गोल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एम्बापे से आप ये सीख सकते हैं कि अगर पूरे मन से कोशिश की जाए तो आप एक दिन अपने रोल मॉडल से भी आगे निकल सकते हैं, यानी अपने कमरे में जिसके पोस्टर्स लगाते थे, जिसका सपना आप सपना देखते थे जिसके जैसा बनने का, आप उसके जैसा नहीं उससे भी आगे निकल गए, उससे भी बेहतर बन गए, और आप अपने आदर्श से भी ज्यादा सफल हो सकते हैं, ये कहानी आपको वो बताती है। एम्बापे के अलावा आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी दुनिया सीख सकती है, जो इस
पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में अपने खिलाड़ियों के गोल करने पर लगातार तालियां बजाते रहे और जब यही खिलाड़ी हार के बाद बहुत भावुक हो गए, निराश हो गए, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैक्रों मैदान में उतर आए। असल में मैक्रों ने बता दिया कि वो सही मायनों में एक सच्चे नेता हैं, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें अपने गले लगाया और ये काम दुनिया का हर नेता नहीं कर सकता। आज से कुछ वर्ष पहले अगर आप भारत की बात करें तो जो खिलाड़ी हैं वो अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से तभी मिल पाते हैं जब उन्हें कोई पुरस्कार देने के लिए किसी औपचारिक फंक्शन में बुलाया जाता है। लेकिन ये एक नई तरह की तस्वीर है जिसमें किसी देश का राष्ट्रपति मैदान पर उतर आया और अपने खिलाड़ियों को ढांढस बंधा रहा है, उन्हें बता रहा है कि वो बहुत अच्छा खेले। तो आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ड्रेसिंग रूम में चले गए और उन्होंने वहां पर अपने देश के खिलाड़ियों को, अपनी टीम को संबोधित किया। आमतौर पर ये जो काम होता है ये या तो टीम का कोच करता है या टीम का कप्तान करता है, लेकिन कल मैक्रों ऐसा लग रहा था जैसे देश के राष्ट्रपति नहीं है बल्कि वही टीम के कप्तान हैं या वही इस टीम के कोच हैं। और उन्होंने जाकर टीम का मनोबल बढ़ाया, उनके साथ उन्हें एक भाषण दिया और ये एक नई चीज दुनिया ने कल देखी। अब इसको आप भारत के संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर भारत की टीम कहीं खेल रही होती और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह उनके ड्रेसिंग रूम में चले जाते या खेल के मैदान पर चले जाते तो हमारे देश में इस पर भी राजनीति शुरू हो जाती। हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो इस पर भी राजनीति करने लगते और कहते कि जो टीम है उस टीम का हार भी शायद अपने ही प्रधानमंत्री के सर पर डाल देते। लेकिन फ्रांस में शायद ऐसा नहीं होता। आपने ये देखा होगा हमारे देश में भी जब हमारी जो टीम है जब कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करती हैं, कोई बहुत बड़ा मैच जीतती हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा होगा वो फोन में लाते हैं खिलाड़ियों को और फिर खिलाड़ियों से बात करते हैं, जीतने पर भी बात करते हैं और हारने पर भी बात करते हैं। लेकिन अपने ही देश में बहुत सारे लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसके मीम्स बनाते हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति से आज पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि लीडरशिप कैसी होती है और नए जमाने की लीडरशिप और नए जमाने के नेता कैसे होते हैं। मैक्रों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर जो किया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन फ्रांस के लोगों ने इस हार के बाद जो किया वो भी आज आपको देखना चाहिए। इस हार के बाद फ्रांस के अलग अलग शहरों में लोग दंगों पर उतर आए और अपने ही देश की सरकारी संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे थे क्योंकि वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये तस्वीर आपके सामने है एक बार फिर से, कहीं खुशी और कहीं गम। एक तरफ अर्जेंटीना की तस्वीर है जहां लोग जश्न मना रहे हैं या खुश हैं क्योंकि उनकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। दूसरी तरफ फ्रांस की तस्वीर है जो कल तक वर्ल्ड चैंपियन था लेकिन कल ये ट्रॉफी फ्रांस के हाथ से निकल गई और फ्रांस की टीम कल हार गई। तो ये भी आपके सामने दो तस्वीरें हैं खेलों की, एक हार की तस्वीर, हार के बाद दंगे, और दूसरी जीत के बाद जश्न की तस्वीर। इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप तीन और वजहों से भी बड़ा खास रहा। पहला, इस वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ जब छोटी टीमों ने, नई टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जैसे मोरक्को और जापान की टीम ने स्पेन की वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा दिया, क्रोएशिया की टीम ने पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन रही ब्राजील की टीम को हरा दिया। यानी जिन टीमों को कमजोर माना जाता था उन्होंने ही बड़े बड़े देशों की मजबूत टीमों को इस बार हरा कर बाहर कर दिया। ये सीखने वाली बात है क्योंकि खेलों में और वैसे जीवन में भी कुछ भी स्थाई नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट। तो ये जो इस बार का वर्ल्ड कप था ये अंडरडॉग्स का वर्ल्ड कप था, ये अंडरडॉग्स का टूर्नामेंट था जिसमें छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को चकित कर दिया, हैरान कर दिया। दूसरा, इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को भी अपने खराब प्रदर्शन की वजह से मैच के बाहर, मैदान के बाहर बेंच पर बैठना पड़ा, जिससे दुनिया को यह समझ में आया कोई भी खिलाड़ी अपने देश से और अपने देश के हितों से ऊपर नहीं हो सकता। रोनाल्डो बहुत बड़े स्टार प्लेयर हैं, सुपरस्टार हैं, और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को बाहर बैठा देना तो इससे यह समझ में आता है कि जो देश का जो हित होता है, टीम का जो हित होता है वो सर्वोपरि होता है, और चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो वो अगर अच्छा नहीं खेल रहा तो उसे बाहर बैठना होगा। तीसरी बात, इस वर्ल्ड कप ने कतर की छवि भी पूरी तरह से बदल दी है। कतर छोटा सा देश है
27 लाख उसकी पॉपुलेशन है और कैसे उसने इतना बड़ा इवेंट अपने यहां आयोजित किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी इस्लामिक देश में यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ है और कतर ने इस आयोजन से अपनी पूरी छवि को बदलने की कोशिश की है। कतर ने इस आयोजन पर 300 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर से आप सुन लीजिए, 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं कतर ने और इस वर्ल्ड कप के लिए ऐसे स्टेडियम्स का निर्माण किया जो कार्बन न्यूट्रल थे, जिनके डिजाइन की कल्पना भी कुछ साल पहले तक हो नहीं सकती थी। आज अगर आप देखेंगे तो मात्र 27-28 लाख की आबादी वाले कतर की पहचान एक ऐसे देश की बन चुकी है जिसका दुनिया के बड़े बड़े देशों पर प्रभाव है, जिसकी छवि अब वाकई में ग्लोबल है और जो मिडिल ईस्ट के देशों में अब शक्तिशाली बन चुका है। आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में कतर एक नया पावर सेंटर बनकर उभरा है। कतर वही देश है जहां अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज कतर की राजधानी दोहा दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों के लिए एक मुख्य केंद्र बन चुकी है जहां तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फैसले। बड़ी बात यह है कि एक जमाने में कतर की छवि कट्टरवादी इस्लामिक देश की थी, लेकिन आज वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे आयोजन करवाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत के बारे में बता रहा है और एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि फुटबॉल का खेल अब तक पश्चिमी देशों का ही खेल माना जाता था और कतर ने इस बार जो काम किया है उससे ये साबित हुआ है कि वो इस्लामिक देशों में भी अब फुटबॉल को लेकर आ गए हैं। एक बात और आपको कतर के बारे में जाननी चाहिए, कतर ने बावजूद इसके कि उन्होंने ये वर्ल्ड कप का आयोजन किया, उन्होंने ना तो अपने रूल्स बदले ना ही अपने कट्टरवाद को किसी हद तक उन्होंने छोड़ा और ना ही अपनी भाषा, अपने संस्कारों को और अपने देश के नियमों को उन्होंने तोड़ा। इसलिए बहुत सारे लोग बड़े निराश भी थे कि कतर ने कह दिया, बहुत सारी चीजें कह दी जो वर्ल्ड कप दूसरी जगहों पर जहां होता था वहां पर आप बियर पी सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन कतर ने इस बार जैसे नियम कतर में हैं वैसे ही नियमों को उन्होंने रखा, जिससे बहुत सारे लोगों को निराशा भी हुई थी। लेकिन कतर ने यह बता दिया कि वो एक ग्लोबल देश बनना चाहता है, अपनी एक ग्लोबल छवि बनाना चाहता है, वो एक पावर सेंटर बनना चाहता है, वो डिप्लोमेसी में भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाना चाहता है, खेलों में भी बनाना चाहता है और यही कारण है कि उसने इतना पैसा खर्च करके अपने यहां ये आयोजन किया। वर्ष 1930 से लेकर अब तक कुल 22 वर्ल्ड कप खेले गए हैं जिनमें 12 बार ऐसा हुआ जब पश्चिम के 5 देशों ने ही इस वर्ल्ड कप को जीता है और ये 5 देश हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। इन 5 देशों में दुनिया की सिर्फ 4% आबादी यानी सिर्फ 34 करोड़ लोग रहते हैं और लगभग 750 करोड़ लोगों पर इन 5 देशों का प्रभाव होता है। लेकिन इस बार जिस फुटबॉल के खेल को पश्चिमी देशों तक सीमित माना जाता था उसका आयोजन कतर ने अपने यहां कराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम को अब सोचिए कितना पैसा मिलेगा। अर्जेंटीना की टीम को 344 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर, प्राइज मनी के तौर पर मिलेंगे, जबकि रनर्स अप रही फ्रांस की टीम को 245 करोड़ रुपए मिलेंगे और तीसरे स्थान पर रही क्रोएशिया की टीम को 220 करोड़ रुपए और चौथे स्थान पर मोरक्को की टीम को 204 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर मिले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भारत की टीम फुटबॉल का वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती, तो इसकी वजह भी आज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमारी टीम वहां क्यों नहीं थी। असल में फुटबॉल का खेल दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में खेला जाता है। मौजूदा समय में फीफा द्वारा पूरी दुनिया में कुल 211 फुटबॉल टीम्स को मान्यता दी गई है। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड कप की जो प्रतियोगिता होती है उसमें इन 211 टीमों में से सिर्फ 32 टीमों को ही खेलने का मौका मिलता है वर्ल्ड कप में और ये 32 टीमें वो होती हैं जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। अब भारत की फुटबॉल टीम जो है उसने इस बार क्वालिफाइंग स्टेज के पहले चरण को तो पार कर लिया था लेकिन दूसरे चरण में हमारी टीम हार कर बाहर हो गई और इसलिए इस वर्ल्ड कप में हमारे देश की टीम नहीं खेली। शायद आने वाले कई वर्षों में भी भारत की टीम वर्ल्ड कप में ना खेल पाए क्योंकि अभी 211 देशों की रैंकिंग में हमारा देश 106वें स्थान पर है। हमारे देश की जो टीम है उसकी रैंक है 106, जबकि 2026 में जब वर्ल्ड कप खेला जाएगा तब इसमें 48 देशों की टीमें ही हिस्सा लेंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का इतिहास 92 वर्ष पुराना है और ऐसा नहीं है कि भारत की टीम इन 92 वर्षों में कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। एक बार हुआ था ऐसा,
वर्ष 1950 में भारत की फुटबॉल टीम को एक मौका मिला था। उस समय एशिया के सिर्फ चार देश ही फुटबॉल खेलते थे और ये थे म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया और भारत। जब भारत को छोड़कर बाकी तीन देशों ने किसी न किसी वजह से खुद को वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया तो भारत की टीम अपने आप ही स्वतः वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता में पहुंच गई थी। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस शानदार मौके को हमारे देश ने गंवा दिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की नाकामी की वजह से भारत की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए ब्राजील नहीं जा पाई, क्योंकि फेडरेशन में टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत मतभेद हो गए और भारत की टीम के पास प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं बचा। हालांकि इस बार के वर्ल्ड कप से भारत के दो कनेक्शन जरूर निकल कर आए। पहला, कतर में वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान जिन 6,500 मजदूरों की मौत हुई उनमें से ज्यादातर मजदूर हमारे देश के ही थे, भारत के थे, जिसका हमें बेहद दुख है। दूसरा, फाइनल मैच से पहले वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी पेश की गई उस दौरान भारत की एक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी वहां पर मौजूद थी और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण की इस मौजूदगी से भारत का नाम रोशन हुआ है। तो भारत का एक कनेक्शन जो है वो वर्ल्ड कप से निकल आया क्योंकि दीपिका पादुकोण वहां मौजूद थे। और बहुत सारे लोग जो दीपिका की नई फिल्म पठान के एक गाने का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये तस्वीरें यहां जरूर देखनी चाहिए। और दीपिका की वहां पर मौजूदगी को लेकर भारत में भी काफी विवाद हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे भारत के लिए एक गर्व का क्षण बता रहे हैं, बहुत सारे लोग दीपिका की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत का नाम सही तौर पर रोशन उस दिन होगा जब हमारे देश की फुटबॉल टीम भी इस वर्ल्ड कप में खेलेगी, जब हमारे देश की टीम भी इस मैदान पर एक दिन खेलने के लिए उतरेगी, जिस दिन हम चक दे इंडिया के नारे लगाएंगे, हमारे देश का नाम उस दिन रोशन होगा। आज आप तेलंगाना के ट्रिपल आईटी बसर में पढ़ाई कर रहे एक छात्र का ये सुसाइड नोट देखिए। आईआईटी में पढ़ता था ये लड़का। 17 साल के इस छात्र का नाम भानु प्रसाद था और आज उसने अपने कॉलेज के हॉस्टल के सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे दी। ये उसका सुसाइड नोट है, हाथ से लिखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से वो पीड़ित थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, परीक्षा में लगातार उन्हें कम नंबर मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। कम नंबर आ रहे थे परीक्षा में सिर्फ इसलिए। और ये इकलौती घटना नहीं है, पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा सुसाइड की घटनाएं राजस्थान के कोटा में हुई हैं। कोटा वो शहर है जिसकी पहचान डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाली फैक्ट्री के तौर पर होती है। देश भर से आईआईटी नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हर साल लाखों छात्र कोटा जाते हैं। बड़ी बात यह है कि कोटा के कोचिंग सेंटर्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले बहुत से छात्रों का यहाँ हर साल आईआईटी और नीट में सिलेक्शन हो भी जाता है और उन्हें देश के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ये कोटा के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि हर साल कोटा में पढ़ने वाले कई छात्र पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं और इसी साल कोटा के इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले 14 छात्रों ने आत्महत्या की है एक साल के अंदर अभी अभी, जबकि पिछले एक महीने में 8 छात्रों ने आत्महत्या की है यहां पर। 12 दिसंबर को एक ही दिन में कोटा में 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सोचिए, एक ही दिन में 3 छात्र। ये तीनों छात्र अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से एक छात्र था अंकुश यादव, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, बिहार के सुपौल का रहने वाला था और नीट की तैयारी कर रहा था। दूसरा छात्र का नाम है उज्जवल, वो 18 वर्ष का था, बिहार के गया का रहने वाला था और आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, जेईई की, माफ कीजिएगा। तीसरा छात्र प्रणव वर्मा था, वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी का था, उसकी उम्र 17 साल थी और ये नीट की तैयारी कर रहा था, NEET। कोटा में पढ़ाई कर रहे किसी भी छात्र पर किस तरह का दबाव होता है उसे आप यहां पढ़ रहे छात्रों के टाइट शेड्यूल से समझ सकते हैं। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जब ये मैच चल रहा था वर्ल्ड कप का तो पूरा स्टेडियम एक प्रेशर कुकर की तरह था, जिसका ताप भी बढ़ता जा रहा है, दबाव भी बढ़ता जा रहा है और उस दबाव में जो खिलाड़ी खेल पाते हैं वही वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये भी प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में हर दिन 8 घंटे की क्लास होती है, 6 घंटे अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है और बचे हुए 2 घंटे
प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होते हैं। यानी अगर किसी छात्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन दो घंटों में। कई बार छात्रों को 14-14 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है। कोटा में पढ़ने वाले किसी छात्र को भी उसका एक रूटीन देखिए, दिन में उसका क्या रूटीन होता है। वो सुबह 5 बजे उठता है, कोचिंग सेंटर्स में 6 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। 5 बजे उठ के जल्दी से भागो, 6 बजे क्लास में पहुंचो। इसलिए छात्रों को हॉस्टल से कोचिंग सेंटर तक करीब 3-4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर अक्सर जाना पड़ता है। कोचिंग सेंटर में हर दिन 4 से 6 क्लास होती हैं, जिसमें 2 छोटे-छोटे ब्रेक्स होते हैं। छात्रों को किसी भी तरह 3 बजे तक दोपहर के वापस हॉस्टल आना होता है, क्योंकि अगर हॉस्टल पहुंचने में देर हो जाए तो लंच समाप्त हो जाता है। इसके बाद छात्र दोबारा कोचिंग सेंटर लौटते हैं, जहां शाम 4:30 बजे से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन शुरू होता है। ये 2-3 घंटे चलता है। इसके बाद छात्र वापस हॉस्टल लौटते हैं और फिर रात 9 बजे से पहले डिनर करना जरूरी है। इसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक सारे छात्र कोचिंग सेंटर में पढ़ाई गई चीजों को दोबारा से रिवाइज करते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं। अगले दिन सुबह फिर 5 बजे उठना है और फिर इसी तरह उनकी ये जो दौड़ है वो चलती रहती है, जिसमें एक औसत छात्र जो है एक दिन में 3 से 4 घंटे ही सो पाता है। कोटा में कुल मिलाकर 26 कोचिंग सेंटर से लगभग, जिनमें इसी साल 1,75,000 छात्रों ने एडमिशन लिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी और विशाल है। कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार करीब 4,000 करोड़ रुपए का है। इन संस्थानों से 2,00,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका चलती है। 3,500 हॉस्टल्स यहां पर हैं और 22,000 से ज्यादा पेइंग गेस्ट्स के लिए अकोमोडेशन है, पीजी है 2,200। खास बात यह कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह कोटा और देश के दूसरे हिस्सों में छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे बहुत से माता पिता डर गए हैं। उनका कहना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, ताकि अगर कोई मुश्किल परिस्थितियां पैदा हों तो बच्चों की मदद के लिए वहां रहें और उन्हें उन हालात से बाहर निकाल सकें जिसकी वजह से कोई बच्चा आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। हालांकि यहां बात सिर्फ कोटा या कुछ चुनिंदा शहरों की नहीं है। आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। 2012 में भारत में 7,400 छात्रों ने आत्महत्या की थी, बल्कि और 2021 में यही आंकड़ा 13,000 तक पहुंच गया। और आज हमारे देश में औसतन हर साल 10 छात्र जो है औसतन हर साल औसतन 9800 मामले जो हैं वो सामने आते हैं। आज हम आपको कुछ वार्निंग साइंस के बारे में भी बताएंगे। अगर आपके बच्चे में ये साइंस दिखाई देते हैं, संकेत दिखाई देते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। किसी भी बच्चे की अगर उसकी हॉबीज के प्रति रुचि कम हो रही है और वो अपने करीबी दोस्तों से दूर हो रहा है, परिवार के लोगों से भी अलग थलग रहता है, तो ऐसे समय में माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा हमेशा निराशा से भरी बातें करता है, निराश रहता है, वो अक्सर आत्महत्या और मृत्यु के बारे में चर्चा करता है, तो भी माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, जान जोखिम में डालने वाली गतिविधियों में शामिल होता है, तो ये भी डिप्रेशन का संकेत है। बच्चों को ऐसी स्थिति से निकालने के लिए सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन, यानी उनसे बातचीत। यानी बच्चों के पास एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए, जिससे वो अपने मन की बात किसी से शेयर कर सकें, परेशानी को लेकर बातचीत कर सकें। ये सपोर्ट सिस्टम उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, या शिक्षक भी हो सकते हैं। इसके साथ ही हर माता पिता को अपने बच्चों पर जबरदस्ती उम्मीदों का बोझ कभी नहीं डालना चाहिए और अपने बच्चों के दबाव सहने की क्षमता को हर माता पिता को समझना चाहिए। एक स्तर तक कंपटीशन जरूरी है, लेकिन बच्चे को जबरदस्ती किसी रेस में धकेल देना सही नहीं होगा। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उस पर अनावश्यक दबाव कभी ना बनाएं, दोबारा कोशिश करने के लिए उसका उत्साह बढ़ाएं और हालात का सामना करना उसे सिखाएं। माता पिता बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय उनकी रुचियों को समझें। सबसे बड़ी बात है, अगर माँ बाप को अपने बच्चे में डिप्रेशन का कोई संकेत दिखता है तो उन्हें फौरन इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय, डॉक्टर्स की राय जरूर लेनी चाहिए। सपोज अगर आप अपने आसपास किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी भी सदस्य को या किसी भी पार्टनर को ये फील करता देख रहे हैं, उसमें ये ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज, ऐसे इंसान को आप आराम से ध्यान से सुनिए, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लिसनिंग एक्टिव होनी चाहिए। दूसरी चीज, सिर्फ सुनना ही नहीं है, एम्पेथाइज और अंडरस्टैंड करना,
सुनना और समझना भी जरूरी है। कई बार हम सुनते हैं और सुनते भी ध्यान से नहीं है, पर उसे सुनना और समझना भी जरूरी है। इस खबर के जरिए और इसके विश्लेषण के जरिए हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में मत भेजिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरे शहर में या दूसरे देश में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ना भेजें, उन्हें हॉस्टल्स में ना रखें। बिल्कुल भेजिए। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी आपके बच्चों की भलाई के लिए ही बने हैं, आपको ज़रूर भेजना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए और आपके अपने बच्चों पर लगातार नजर रखनी होगी। इसी तरीके से जो शिक्षक हैं, सबसे पहले इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और कॉलेज और स्कूल में सबसे पहले शिक्षक को पता चलता है कि अगर कोई छात्र डिप्रेशन में है या किसी परेशानी में है। इसलिए ये शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले ऐसे छात्रों को पहचाने और फिर उनकी मदद करने की कोशिश करें। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप कल का वर्ल्ड कप फाइनल का मैच देखिए और ये सोचिए, ये जो खिलाड़ी थे इतने सारे जब खेल रहे थे और वो प्रेशर कुकर जैसी स्थिति में थे उस फुटबॉल के स्टेडियम में, उन पर कितना दबाव होगा जब दुनिया के करोड़ों लोगों की नज़र इन खिलाड़ियों पर रहती है और इन्हें परफॉर्म करना है हर हालत में। और उसके बाद जब आप इस प्रेशर के बाद सफल होकर बाहर निकलते हैं तो कितनी खुशी होती है, ये भी आपने देख लिया। और आपने ये भी देखा कि जो टीम हार भी गई है, क्षण के लिए वो निराश ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टीम खेलना छोड़ देगी, वो खिलाड़ी अब आगे के बाद इसके बाद फुटबॉल के मैदान पर आपको नजर ही नहीं आएंगे। कल सुबह वो फिर आपको प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे, कल सुबह फिर आपको तैयारी करते हुए नजर आएंगे। वो गिरेंगे और फिर दोबारा फिर से उठेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगली बार वर्ल्ड कप जरूर जीते। इसलिए ऐसे तमाम छात्रों को वर्ल्ड कप के इस फाइनल से शिक्षा लेनी चाहिए। अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे देश के नेताओं को अपने सैनिकों के लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि भारतीय सेना के जवानों की अरुणाचल प्रदेश में पिटाई हो रही है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई और राहुल गांधी से कहा कि वो जितनी चाहे राजनीति कर लें, लेकिन जवानों का अपमान न करें। लोकसभा में एस जयशंकर ने राहुल गांधी के हर आरोप का किस तरह जवाब दिया, पहले आप ये सुनिए और फिर राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे, हम आपको वो भी एक बार फिर से सुनवाएंगे। If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yes. When our jawans, sir, are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet, at 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground. So they should be respected. Yes. They should be honored. They should be appreciated. This is not something which is appropriate. जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए और फिर भी वो कह देते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी ने हमसे कोई सलाह तो नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी हम एक सलाह उन्हें जरूर देना चाहेंगे। राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये असल में भारत तोड़ो यात्रा जैसी ज्यादा दिखने लगी है। और इस यात्रा में क्या ऐसा कारण है कि राहुल गांधी सिर्फ शिकायतें ही करते रहते हैं? राहुल गांधी को इस देश के मीडिया से शिकायत है, राहुल गांधी को इस देश की सेना से शिकायत है, राहुल गांधी को इस देश की सरकार से शिकायत है। और
ये शिकायत करते करते राहुल गांधी अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी भाषा पाकिस्तान की भाषा से मिलने लगी है। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भाषा चीन की भाषा जैसी दिखने लगी है। वो ये भूल जाते हैं कि जो बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के बाहर बिलावल भुट्टो भारत के बारे में कर रहे हैं, वही बात भारत के अंदर बैठकर राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और इसीलिए हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ऐसा क्या है कि राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो की भाषा एक जैसी लगने लगी है। बिलावल भुट्टो को भी भारत की जो इस समय की जो स्थिति है वो पसंद नहीं है, और राहुल गांधी को भी भारत की ये स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं है। बिलावल भुट्टो भी भारतीय सेना के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भारतीय सेना कमजोर है। पाकिस्तान भी यही कहता है, भारतीय सेना कमजोर है और वो पीओके कभी नहीं ले पाएंगे। राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि भारतीय सेना कमजोर है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की पिटाई हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि आप अपनी ही सेना के लिए क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? अपने राजनीतिक हित साधने के लिए क्या आप अपने सैनिकों का अपमान कर सकते हैं? आज हमारे जो सैनिक हैं अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर विपरीत परिस्थितियों में खड़े हैं, बर्फ में, इतनी सर्दी में 13,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। जब उन तक ये बातें पहुंचती होंगी तो उन्हें कैसा लगता होगा? उनके परिवारों तक जब ये बातें पहुंचती होंगी तो कैसा लगता होगा? और सोचिए उस जवान पर कितना दबाव हमारे देश के विपक्षी नेता डाल रहे हैं। युद्ध में कुछ भी हो सकता है, युद्ध में हार भी होती है, युद्ध में जीत भी होती है। जो शहीद हो जाते हैं लोग, क्या आप उनका भी अपमान करने लगेंगे? जो व्यक्ति शहीद हो गया युद्ध में, जो मारा गया दुश्मन की गोली से, क्या आप उसे ये कहेंगे कि वो सैनिक पिट गया? क्या आप ये कहेंगे कि वो सैनिक जीत नहीं पाया? आप उसकी शहादत का सम्मान नहीं करेंगे? गलवान में हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने जितना शानदार काम किया, क्या आप उसका सम्मान नहीं करेंगे? पाकिस्तान से कुछ चीज हम सीख सकते हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान की सेना को सिर्फ 13 दिनों में हरा दिया था। उसके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, आपको याद होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग, वहां की सेना और वहां के नेता आज भी ये बात नहीं मानते कि 71 के युद्ध में उसके जवान भारत से पिट कर आए थे या उनकी भारत के सैनिकों ने पिटाई की। लेकिन आज भी वो ये कहते हैं कि हमारे जवान, हमारी सेना भारत से अच्छी है। लेकिन हमारे देश में राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, वो अपने ही सैनिकों के लिए ये कहते हैं कि भारत के सैनिक सीमा पर पिट रहे हैं। इसलिए वो राजनीति जितनी चाहे करें, सरकार की आलोचना करना विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का कर्तव्य है, चुनाव जीतना विपक्ष की भी इच्छा होती है। लेकिन इस इच्छा के साथ साथ वो ये ना भूलें कि कहीं वो दुश्मन देशों के दोस्त तो नजर नहीं आ रहे हैं। वर्ष 1941 में आज ही के दिन अडोल्फ हिटलर को जर्मन आर्मी का सुप्रीम कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। यह दूसरे विश्व युद्ध का दौर था और 4 साल बाद 1945 में हिटलर की मृत्यु हो गई थी। हिटलर की मूछों को टूथब्रश मूछें कहा जाता था। ये मूछें हिटलर ने इसलिए रखी थी क्योंकि पहले विश्व युद्ध में एक गैस हमले के वक्त हिटलर की मूछें काफी बड़ी थी और गैस से बचने के लिए हिटलर ने जब गैस मास्क लगाया तो वो मूछों में फंस गया और मास्क को उतारने के लिए उन्हें बड़ी परेशानी हुई। इसी के बाद हिटलर ने अपनी मूछें दोनों तरफ से कटवा दी थी। वर्ष 1927 में आज ही के दिन काकोरी लूटकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां शहीद हो गए थे। तीनों क्रांतिकारियों को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन लूटकांड का दोषी बताते हुए अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। काकोरी कांड आजादी की लड़ाई की स्वर्णिम घटनाओं में से एक है। रामप्रसाद बिस्मिल सहित 10 क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटने की योजना बनाई और इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, लेकिन वो इससे बच निकले थे। बार बार अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दिया जलाया जाए।